नमस्कार दोस्तों, आपने बचपन से ही बुरी नजर के बारे में तो सुना ही होगा। जैसे अच्छी नजर होती है वैसे बुरी नजर भी होती है। जब कोई बहुत खूबसूरत सा छोटा सा बच्चा, अचानक खिलखिलाता बच्चा रोने लगे और उसका रोना बंद ही ना हो, चिड़चिड़ा हो जाए, बीमार रहने लगे, अगर आपके घर में कोई खूबसूरत सी बहू आई है, बहुत अच्छी बनकर रह रही थी, अचानक उसका स्वभाव चेंज हो गया, या आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, अचानक उसके मार्क्स गिरने लगे, उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, तब आपको मान लेना चाहिए कि किसी बुरी नजर का असर है। दोस्तों, बुरी नजर उतनी ही असरदार होती है जितना कि कोई टोटका या जादू टोना। दोस्तों, बुरी नजर इतनी प्रभावशाली होती है कि आपके जीवन के सारे सुख आपसे छीन सकती है, आपको गलत राह पर ले जा सकती है, आपकी आंखों के सामने आपकी दुनिया चेंज हो सकती है। और ये बुरी नजर किसी की भी हो सकती है, आपके फैमिली मेंबर्स में से किसी की हो सकती है, आस पड़ोस में से किसी की हो सकती है, आपके रिश्तेदारों की हो सकती है, जो आपकी प्रोग्रेस से जलते हैं, आपकी खुशियों से जलते हैं, उनकी हो सकती है। किसी की भी बुरी नजर आपको कभी भी लग सकती है। इस बुरी नजर से बचने का एक अचूक उपाय आज मैं आपको बताने आई हूँ। उसके लिए आपको घरेलू सामग्री ही चाहिए, और वो है सूखी हुई लाल मिर्च, इलायची, काली मिर्च के दाने और नमक। साथ ही साथ आपको लगेगा मौली, काला कपड़ा। तो इस उपाय को करने से पहले आपको वो इंसान या बच्चा जिसके ऊपर आपको लगता है कि बुरी नजर लगी है, अपने पास बिठाइए। ये उपाय आपको करना है रविवार की शाम को, संध्या काल के बाद, जैसे सूर्य अस्त हो गया, उसके बाद आप ये उपाय स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये लाल मिर्च लेनी है, उसे आपको एक साफ काले कपड़े पर रखना है, आपको 5 इलायची के दाने रखने हैं, आपको 5 काली मिर्च के दाने रखने हैं, आपको मुट्ठी भर नमक लेना है, इसके ऊपर रखना है, आपको इसे अच्छे से फोल्ड करना है ताकि वो नमक बाहर नहीं आए। फिर इस कपड़े को आपको इस मौली से 7 बार ऐसे बांध देना है। 7 बार आप इस तरीके से भी बांध सकते हैं, आगे पीछे करके इसको। उसके बाद ये आपको अपने हाथ में लेना है, जो बच्चा या जिसके ऊपर भी आपको लगता है कि नजर लगी है, अपने सामने बिठाइए, उनके ऊपर से, सिर के ऊपर से ऐसे आपको 7 बार घुमाना है। घुमाने के बाद आपको एक मंत्र दिया जाएगा, वो मंत्र आपको 11 बार पढ़ने का है। जी हाँ, वो मंत्र पढ़िए। उसके बाद आप इस कपड़े में बंधी हुई सामग्री को लेकर जाके किसी चौराहे पर रख सकते हैं। इसे एक बार आप चौराहे पर रख दीजिए, पीछे पलटकर मत देखिए, सीधे अपने घर पर चले आइए। घर पर आइए, अपने हाथ धोइए और आप बेफिक्री से बैठ जाइए, क्योंकि अभी आपके घर की, आपके बच्चों के ऊपर की, आपके पति के ऊपर की, आपके जीवन में जिसकी भी बुरी नजर थी, सब हट चुकी है। जी हाँ, जैसे ही आप ये वहां पर चौराहे पर रखकर अपने घर वापस आएंगी, आपकी जिंदगी बदल चुकी होगी। तो ये उपाय आप जरूर कीजिए, संध्या काल ही कीजिए और रविवार के दिन ही कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको जिस मंत्र की आवश्यकता होती है, वो मंत्र आपको हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर से इजीली मिल सकता है। ये मंत्र आपको फोन करके ही लेना पड़ेगा, उसका भी एक रीजन है। वो ये कि हर इंसान अलग अलग राशियों में पैदा होता है, डेट ऑफ बर्थ अलग होती है, गोत्र अलग होता है, टाइमिंग अलग होते हैं, कभी कभी तो स्थान भी बदले जाते हैं, जैसे कि कभी कोई फॉरेन में पैदा हुआ है, कोई इंडिया में पैदा हुआ है, तो टाइमिंग का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो मंत्र आपको उस अनुसार ही दिया जाएगा। वो मंत्र आपको 11 बार पढ़ना है, और देखिए वो मंत्र और ये उपाय आपके जीवन में किस तरीके से बदलाव लाते हैं। और दोस्तों, इस उपाय को करने से बुरी नजर तो कटेगी ही कटेगी,
साथ ही साथ आपके जीवन में अगर और कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई कोर्ट कचहरी का केस है, आपकी सेहत ठीक नहीं रहती है, आपके बिजनेस में प्रोग्रेस नहीं हो रही है, रिश्तों में अनबन है, वो भी सुधर सकता है। इसे करने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जी हाँ, बस आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी सवाल है, जिज्ञासा है, आप हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। आपकी हर समस्या का समाधान उनके पास है। आप विश्वास कीजिए और कॉल कीजिए। और आज के लिए इतना ही। मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। जय माता दी।